हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स एंड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जब हम पॉल्यूटेंट्स को डिवाइड करते हैं तो बहुत सारी कैटेगरीज में करते हैं, बट इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, जो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मल क्वांटिटी में दे एग्जिस्ट, बट जब एक सर्टेन लेवल तक, मतलब समझ लो सिर्फ इस लेवल तक चलेगा, जैसे इस लेवल के ऊपर ये पॉल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं तो हम इनको क्या बोल देते हैं, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है CO2 का। CO2 नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या किसी भी प्रोसेस के लिए CO2 की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही ये CO2 एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है, एक लेवल तक तो ठीक है, जैसे ही उस लेवल से ज़्यादा बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा ये पॉल्यूटेंट कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये पॉल्यूटेंट बन जाता है। जैसे कि अगर CO2 बढ़े ना तो नॉर्मली वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करेगी और प्रोसेस में हेल्प करेगी, बट जैसे ही बढ़ती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग या अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का काम करती है। ठीक है, फिर आ जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सेम है, नेचर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे ही एक थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज़्यादा बढ़ती है तो हम उसको बोलते हैं कि दैट इज़ क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। तो फिर से पढ़ लेते हैं, अकर इन नेचर एंड बिकम पॉल्यूटेंट व्हेन देयर कंसेंट्रेशन रीचेज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। मतलब ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और ये पॉल्यूटेंट तब बनते हैं जब इनका कंसेंट्रेशन एक लेवल से ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। इनकी कैटेगरी, इनके मतलब पॉइंट बता रही हूँ आपको कि ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, दे डू नॉट अकर इन नेचर। सेकेंड थिंग, दे आर मैन मेड। मैन मेड मतलब ह्यूमन ने इनको बनाया है। एक और चीज़, फंजिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड DDC, अगर DDT अगर आप देखो तो ये सब कुछ मैन ने क्रिएट किया, मैन मेड है, लेकिन ये नेचर में अब एग्जिस्ट कर रहे हैं और पॉल्यूटेंट यानी पॉल्यूशन फैला रहे हैं। बट इनकी जो दो कैरेक्टरिस्टिक है कि नेचुरल फॉर्म में दे डू नॉट एग्जिस्ट, जैसे कि यहाँ पे था कि CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड नेचुरल फॉर्म में बनती है, लेकिन ये नेचुरली नहीं बनते, इनको किसने बनाया है, इनको बनाया है ह्यूमन बीइंग्स ने, दे आर मैन मेड। नेक्स्ट पॉइंट जो समझने का है कि इन दोनों को तो हमने एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आगे की वीडियोस में हम जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में और अच्छे से डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे कुछ और कैटेगरीज भी होती है, उन पे बाद में जाएंगे, जैसे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गई, उन सबको हम बाद में धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके इकोलॉजी प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने इकोलॉजी को, NCERT इकोलॉजी को बहुत अच्छे से थॉरली कवर किया है। थैंक यू सो मच।